मंच पर उपस्थित हमारे साथ आए हुए माननीय डॉक्टर केशवराव जी, बीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता और भूतपूर्व आईएएस अधिकारी, ये नागपुर में इस सिटी को सुंदर बनाने में कमिश्नर ऑफ नागपुर महानगर पालिका जिन्होंने अच्छा काम किया था, वो भी मेरे साथ आए हैं। और मंच पर उपस्थित श्री शंकरण्णा धोंडगे जी, माणिकराव कदम जी, श्री वाकुड़कर जी और मंच पर उपस्थित अन्य हमारे जहीराबाद के पार्लियामेंट सदस्य श्री बीबी पाटिल जी और कई लोग हैं, विधायक जी और अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता लोगों को और आप तमाम भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। एक बात इस बीच में हमें बहुत सताता है, मैंने कई बड़े बड़े पत्रकारों से, कई बुद्धिजीवियों से, कई लोगों से मैंने पूछा है, कई वरिष्ठ नेताओं से, आज हमारा भारत का लक्ष्य क्या है, भारत देश का कोई लक्ष्य है या भारत अपना लक्ष्य खो गया है और भटक रहा है। हम कोई भी इसका जवाब देने के लायक नहीं रहे। और एक बार सोचिए मन लगा के, बिना लक्ष्य के समाज, बिना लक्ष्य के देश कहां पहुंचते हैं, इसका अंजाम क्या होता है। गहरा मन से अगर सोचे तो डर लग जाता है। हमारा आबादी इतनी बड़ी कि दुनिया के सबसे बड़ी आबादी रखने वाले देश चाइना को भी हम पार कर गए, नंबर वन देश है पॉपुलेशन। इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ के ऊपर, इनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। अब एक शब्द में कहना है तो भारत का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य हो गया। कुछ भी करो, दंगा करो, फसाद करो, काटो मारो, शराब पिलाओ, पैसे दे दो, बस चुनाव जीतो। ये चुनाव की जीत हार के चक्कर में हम लोग गुमराह हो रहे हैं, भारत, पूरे भारत। अभी एक बात है, अभी अभी कर्नाटक राज्य में सत्ता बदल हुआ है, वहां भाजपा आ गया है, कांग्रेस आ गया है। आप मन लगा के देखो, कोई परिवर्तन आने वाला है, आप लोगों को कोई आशा है? सही लोकतंत्र में, सही लोकशाही में होना यह है, जीत पार्टियों की, नेताओं की, जीत चेहरों की नहीं होनी चाहिए, जीत हर इलेक्शन के बाद जनता की होनी चाहिए। जब जनता जीतने लगेंगे तो सारे चीज बदलने लगेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 50% लोग यानी कि 42% इस देश में किसान हैं, उनके साथ काम करने वाले कम से कम और एक 15-20% जो भी जिस प्रकार के भी हो, यानी कि करीब करीब 60% लोग शांत हो जाएंगे अगर खेती किसानी कड़े होता है और अच्छा सुकून से रहते हैं। इतना बड़ा लाट यानी कि 60% लोगों को छोड़ के ये क्या हो रहा है इस देश में? शर्म की बात है, 75 साल के आजादी के बाद लोग चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, सोने के ईंट नहीं मांग रहे सरकार से, भरपूर पानी दे दो, भरपूर बिजली दे दो, हमारे उगाई का दाम दे दो। ये नहीं देने से आज आत्महत्या कर रहे हैं किसान पूरे भारत में। दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र में ज्यादातर आंकड़ा यहां ज्यादा है, बड़ा है, बड़ा दुख होता है।
महाराष्ट्र एक ऐसी प्रदेश है हिंदुस्तान का नंबर वन प्रदेश है, यहां से इतने नदियां निकलते हैं शायद ही किसी और राज्य से निकलते हैं। जहां जाओ तो पीने का पानी का किल्लत। प्रकाश पोहरे जी मेरे साथ थे, हम औरंगाबाद में थे, वहां किसी ने कहा भाई यहां पे 8 दिन में एक बार पानी आता है पीने का। प्रकाश पोहरे जी कहा अकोला में कौन सा बेहतर है, अकोला में भी 10 दिन में एक बार आता है। शोलापुर वाले कह रहे 11 दिन में एक बार आता है। कहीं कहीं मतलब प्रांत में पीने की पानी की किल्लत, जहां से कृष्णा और गोदावरी निकलता है। कितने नदियां हैं महाराष्ट्र में, पंचगंगा, प्रवरा, मूला, वारदा, वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इतने सारे नदी रखते हुए क्या हो रहा है इस देश में। 75 साल की आजादी बहुत बड़ी लंबी समय होती है। मैं एक बात कहूं तो आपको हैरत होगा, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है, देश का राजधानी जो दिल्ली है 75 साल की आजादी के बाद वहां भी पर्याप्त पानी की उपलब्धि नहीं है। कई हमारे दोस्तों के घर में खड्डे खोदे हुए हैं, टैंकर खरीदने पड़ते हैं हर दिन, अफसोस की बात है। और दिल्ली एक ऐसी जगह है जो गंगा यमुना के बीच में डेल्टा में है, पानी की कमी नहीं है, देश की राजधानी है। पानी नहीं बिजली भी पर्याप्त नहीं मिलता, बिजली की कटौती होती है दिल्ली में कई प्रांत में। ये क्या हो रहा है, क्या आखिरकार इसका कारण क्या है, वजह क्या है। मैं किसी एक पार्टी को या किसी व्यक्ति को आलोचना करना मेरा काम नहीं है, मैं परिस्थितियों का समझने का और समझाने का काम करता हूं। मैं साफ साफ आप लोगों को एक बात बताता हूं, बीआरएस एक मिशन है, भले ही राजनीतिक पार्टी है, राजनीति एक व्हीकल है, जो कि नीतियां बनना है, कानून बनना है तो असेंबली से पार्लियामेंट से ही बनते हैं, वो हम जानते हैं। आंदोलन कर करके पूरी जनता थक गई है। किसानों को लेकर अगर बात करें तो यहां शरद जोशी बहुत ही महान किसान नेता, देश के जाने माने नेता, उन्होंने क्या कम लड़ी थी, कितने साल लड़ी थी, कितने बार जेल गए थे, उनके साथ शंकरन्न धोंडगे जी, मानिक कदम जी और कई हजारों लाखों लोग कितने लड़ाइयां लड़े। आज भी प्याज के दाम के लिए नासिक से मुंबई तक लोग 50,000 10,000 महिलाएं जिनके खून में पायरों में से खून भी निकल रहा है यात्रा करना पड़ता है। ये क्या हो रहा है, क्या तरीका है, लोकतंत्र का यही है। जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे उनका यही इच्छा था, यही देखना चाह रहे थे, इसीलिए स्वतंत्र पाया हमने। ये बड़े दुख की बात है। राजनीति तो बहुत चलता है, राजनीति आए तो कोई ना किसी ना किसी को हारना है, किसी ना किसी को जीतना है, लेकिन जनता की जीत के ओर हमको आज सोचने का घड़ी है। जनता की जीत किस प्रकार से हो सकता है, ये संभव बात है, असंभव नहीं है। होंगे बड़े बड़े नेता होंगे, कई हैं, हमने कई देखा है देश में भी, यहां पे भी जितने पार्टी है महाराष्ट्र में, जिनको एक पार्टी मुझे बताया जिनको सत्ता नहीं मिला, हर पार्टी को मिला, हर पार्टी के मुख्यमंत्री बने यहां पे, फिर किसी एक ने भी परिवर्तन क्यों नहीं लाया, ये सोचने की बात है। पार्टी ठीक है, पार्टी से हमको कोई इतराज नहीं है, लोकशाही में पार्टियां होना चाहिए, वो प्रजास्वामी के लोकशाही के स्तंभ होते हैं, पार्टी की मौजूदगी बहुत जरूरी है, पार्टियों के बीच में टक्कर की भी बहुत जरूरी है, जो अच्छा क्वालिटी काम करता है उसको जनता मौका देगी। तो मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं, ये बीआरएस भारत परिवर्तन का एक मिशन है, पूरी भारत को सुधारना है, सिर्फ महाराष्ट्र राज्य को नहीं, पूरी भारत जब तक परिवर्तन ना हो हमारे समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। एक सेंटेंस में कहना है तो परिवर्तित भारत ही आज के भारत के सर्व समस्याओं के समाधान है, 100%, इसमें कोई दोहराव नहीं। दुनिया में कई मिसाल देखने को मिलते हैं, ठीक है, हर समाज का किसी ना किसी तरीके का शुरुआत होता है,
किसी का आजादी से गिनते हैं, किसी का इनकलाब के बाद रिवोल्यूशन के बाद गिनते हैं, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तानाशाही से लोकशाही में बदलते हैं, वहां से फिर गिनती शुरू करते हैं। हमारे देश में हमारी व्यवस्था है कि हम आजादी के जब से देश का शुरुआत का गिनती करते हैं। तो होता यह है हर देश में, सारे ग्लोब में अगर देखें हम लोग, उस समय के जैसे बुद्धिजीवी होते हैं, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे हमारे यहां, उनके नेतृत्व में एक संविधान बना, कानून कायदा बना दिया, देश चल पड़ा। चलते चलते अनुभव ही कुछ और मिलते हैं। जब लिख के चलते हैं, कानून बना के चलते, कुछ एक रास्ता बना के चलते हैं, जब चल पड़े तो अनुभव कुछ अलग बताता है, उसके मुताबिक काम होता है। और एक दो दशक या मैक्सिमम तीन दशक के अंदर पूरा सेटल होता है। हमारे पास 75 साल गुजर गए, अभी भी कोई सेटल नहीं। किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आखिरकार फिर कौन सुख से है? शोषित, पीड़ित, वंचित जो लोग हैं, आज हमारे देश में दलितों का स्थिति क्या है? मैं एक शब्द में कहता हूं, दलितों का गरीबी और दलितों का साथ अन्याय जब तक नहीं रुकेगा, हमारे चेहरे से वो दब्बा नहीं जाएगा। 100% ये मेरी बात मान लीजिए आप। अमेरिका जैसा देश, जहां वहां के मुकामी लोग, नेटिव लोग, रेड इंडियंस को काफी सताए थे, श्वेत जाति वालों ने काफी अत्याचार किए थे उनके ऊपर, लेकिन अमेरिका जैसा देश भी, वहां भी चेतना जाग गई। मैंने किसी सभा में कह दिया, सभी ने खूब तालियां बजाए, बराक ओबामा को अमेरिका का अध्यक्ष बना के अमेरिका ने अपने पापों को धोया है। ऐसे ही हमारे पास, जब तक हमारे दलित समाज ठीक है, ठीक है, उनको जोश ज्यादा है, तो जब तक दलित शोषित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, वंचित रहेंगे, तब तक हम सुकून से नींद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, हमारे घर में खाना है, भरपूर खा रहे, लेकिन बगल के घर में अगर वो लोग उपवास है तो हमको क्या लगता है? ऐसी स्थिति हमारे दलित समाज का है, इसको किसी ना किसी तरह से इसको सुधारना चाहिए, इसका उद्धार होना चाहिए। ऐसे ही आदिवासी कब तक लड़ेंगे अपने हकों के लिए? वो लगातार लड़ रहे हैं आजादी के जब से आज तक, समस्या मिटता ही नहीं। बुद्धिजीवियों की कमी नहीं, ऑफिसरों की कमी नहीं, पार्टियों की कमी नहीं, हार जीत की कमी नहीं, फिर क्यों समाधान नहीं निकलता? ये बुनियादी बातें सोचने की बातें हैं। खास तौर पर यहां के बुद्धिजीवियों से, युवा से मैं हाथ जोड़ के सभी को प्रणाम करके विनम्र निवेदन करता हूं, वक्त आ गया है, अभी हमको जागरूक होने जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जब तक ये देश नहीं बदलेगा, देश का विचारधारा नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ चुनाव आएंगे, कोई पार्टी हारेंगे, कोई पार्टी जीतेंगे, बस यही ड्रामा चलता रहेगा। दो शब्द मैं बताता हूं आपको, एक पानी, जिसकी कमी तो होनी ही नहीं चाहिए भारत में, देश को जितना पानी चाहिए उससे कई गुना डबल पानी की उपलब्धि है देश में। ये आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्र सरकार के हैं। भारतवर्ष में हर साल 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है, जिसमें से सीधे ही बरसात होते समय ही फ्रिक्शन होकर के हवा से आधा पानी बाष्पीकरण होता है, यानी कि 70,000 करीब करीब बाष्पीकरण हो जाता है, बाकी 70,000 पानी हमारे भूमिगत जाता है, कुछ भूमि जल, और बाकी 65,000 टीएमसी सीधे शुद्ध नदियों में शुद्ध पानी हमारे देश में बहता है। इसमें से आज तक भारत ने उपयोग किया सिर्फ 19-20,000 टीएमसी, बाकी 50,000 टीएमसी बह रहे समंदर में, या तो बंगाल के खाड़ी में या अरबी समुद्र। सभी देख रहे हैं, इतने सारे प्रधानमंत्री, इतने सारे मुख्यमंत्री, इतने सारे विधायक, आमदार, खासदार, क्या क्या नहीं, लेकिन कुछ होता है नहीं। इधर हमारे खेत भी सूखे हैं, हमारे गले भी सूखे हैं, क्या पाप किया देश ने?
हकीकत बताए तो ये बात यह है, भारत में सबसे ज्यादा कृषि लायक भूमि है। अमेरिका हमसे बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास सिर्फ 29% ही कृषि योग्य भूमि है। चाइना हमसे 1.5 गुना बड़ा है, उनके पास सिर्फ 16% ही कृषि योग्य भूमि है। भारत ही एक ही देश है पूरे दुनिया में जो भाग्यवान है, जिनके पास सीधे ही 50% भूमि कृषि योग्य है। भारत को अगर एकड़ में नापा जाए तो 83 करोड़ का एकड़ हमारा भूमि है, भारत का भूमि, जिसमें से सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। यानी कि मेरा कहना यह है, जितना बारिश होता है, जितना पानी की उपलब्धि है, उससे भारत के हर एक एकड़ में भरपूर पानी दिया जा सकता है, हर एक एकड़ में, प्रति एक एकड़ में। उसके बाद एक 10,000 TM से अगर आप पीने का पानी हर घर में नल फिट करके दे दो, जैसा तेलंगाना ने दिया है, हर घर में भी नल करके पूरे भारत में नल फिट करके दे दो, और उद्योग के लिए जितना चाहिए उतना दे दो, उसके बाद भी कम से कम 25-30,000 TMC की बचत है देश में। इतना संपत्ति देश का है, इतनी संपत्ति जो प्रकृति ने दिया है, जो भगवान ने दिया है, उससे देश क्यों वंचित है? ये क्या तमाशा है? पीने का पानी जो उपलब्ध है, जिसको अमेरिका से ना भीख मांगनी है, ना रशिया से मांगनी है, ना किसी अन्य से मांगनी है, हमारी अपनी संपत्ति है। यानी कि सीधे ही, मैं इसीलिए कह रहा था भारत का परिवर्तन का बात, इसीलिए मैंने लिया कि देश का जो जल नीति है, राष्ट्रीय जल नीति, इसको पूरा का पूरा बंगाल के खाड़ी में फेंक देना चाहिए और नई नीति का रचना होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए भारत का परिवर्तन हम चाहते हैं। दूसरा एक मुद्दा है बिजली। बिजली का भी बड़ा चक्कर है इस देश में। बिजली 3-4-5 किस्म का होता है। एक तो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जब बरसात होता है, जो जल विद्युत कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट भर जाते हैं तो तभी मिलता है, 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के, पूरा साल भर नहीं मिलता। सोलार का ऊर्जा है, वो दिन में आता है, रात में नहीं आता है। जो विंड से, हवा से मिलता है विद्युत, वो भी हवा चली तो मिली, ना तो ना मिली। और दो चीज गैस का है, जहां गैस की उपलब्धि है वहीं हो सकता है, बाकी जगह नहीं हो सकता है। फर्म पावर जो हर जगह मिलने वाला सिर्फ दो है, वो है एटॉमिक पावर है और थर्मल पावर है। एटॉमिक पावर को लेकर सारी दुनिया भर में विवाद है, हमारे भारत में भी विवाद है, क्योंकि रशिया के चेर्नोबिल में उसका विस्फोट हुआ था, उसे काफी लोगों का मृत्यु हुई थी, तो उसके लेकर कहीं अनुमान है, मतलब उसका विवाद है। लेकिन जो थर्मल पावर है उसका कोई विवाद नहीं। थर्मल पावर बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो कोयला है। अभी आते आते हमारे चंद्रशेखर जी को मैं बता रहा था, महाराष्ट्र के अंदर कितना कोयले खदान है, हमारे उमरेड में, घुग्गुस में, बलारपुर में, चंद्रपुर में, ऐसे पूरे भारत में है। तेलंगाना में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है। कोयला इतना है हमारे पास देश में, 361 बिलियन टन, मिलियन नहीं बिलियन, 361 बिलियन टन की कोयला अब तक पाई गई है ऑलरेडी, और भी विस्तार में भंडार है, कोयले का भंडार। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल है, जो सोलर ऊर्जा है, और जो कोयले से थर्मल बनता है, इन तीनों को तालमेल करके हाइब्रिड सिस्टम में अगर यूज करें, पूरे भारत में हर चीज के लिए, खेतों के लिए, उद्योगों के लिए, कमर्शियल के लिए, डोमेस्टिक के लिए, पूरे चीज जिस प्रकार का बिजली हमें चाहिए, पूरे भारत को देने के लिए ये उपलब्ध हुआ, ऑलरेडी उपलब्ध हुआ 361 बिलियन का कोयला 150 साल तक के लिए पर्याप्त है, 150 साल तक के लिए। ये भी आंकड़े मेरे नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोल मंत्रालय के है, कोल इंडिया के है। अगर ये सच है तो क्यों बिजली की कमी है देश में, क्यों लोगों को रुलाया जा रहा है, क्यों सताया जा रहा है?
किसान रात्रि बेरात्रि आधी रात में किसानों को करंट दो, जैसे कि वो भिखारी है, जाओ तो वहां किसी को सांप काटा, किसी को बिजली का धक्का लग के मर गया, कितने लोग की मृत्यु हो रही है, ये क्या तमाशा है इस देश में। तेलंगाना में जब किसानों की सरकार बना, जो बीआरएस की सरकार है, वहां महाराष्ट्र से भी ज्यादा किल्लत थी, हमारे भी किसान काफी लोग आत्महत्या कर रहे थे वहां पे। हमने एक शपथ लिया, भाई इसको रोका जाए, कुछ करो लेकिन रोको, किसानों को खड़ा करो। मैं रोते रोते भी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनको अपील करता रहा कि मत मरो भैया, एक दो तीन साल मैं संभालूंगा आप लोगों को, ऐसा बोलना पड़ता था मुझे भी, गदगद होकर बोलना पड़ता था। आज तेलंगाना में किसानों को 24 घंटा पानी बिजली मिलता है फ्री में, एक पैसा भी नहीं। तेलंगाना में हमने 4-5 कदम उठाए तो किसान खड़े हो गए, खुश है। आत्महत्या 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरा का पूरा थम गए, बंदी हो गए। हमने पहला कदम यह उठाया कि भाई तलाटी को हटा दो, हटाना है, हटाना चाहिए, आवाज नहीं आ रही है, हटाना चाहिए। हमने कानून लाके असेंबली में पास करके बर्खास्त कर दिए, तलाटी चला गया। चले जाने के बाद क्या किया हमने, उनका नौकरी नहीं निकाला हमने, उनके पेट पे नहीं मारा, उनके दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिए, एडजस्ट कर दिए उनको, बाकी पूरे डिजिटलाइज कर दिए, कंप्यूटराइज कर दिए। 7-12 के लिए कहीं तहसील जाओ, इधर जाओ, किसी को आगे हाथ फैलाओ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बटन दबाओ तो दिखेगा 7-12 क्या है, 7-12 दिखेगा, 70-12 भी दिखेगा। देश में नहीं, आप अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, रजिस्ट्रेशन भी 10 मिनट के अंदर होता है, ना कोई रिश्वत है ना कोई मामला है, रजिस्ट्रेशन के साथ ही साथ 5 मिनट के अंदर पट्टा भी हो जाता है। वहीं के वहीं आपके पास 7-12 तो एक सादा कागज देते हैं, हमारे पास जैसा पासपोर्ट होता है उतना सुंदर सा पाकिस्तान का पासबुक है, किसी ने भेजा किसी ने खरीदा तो वहीं का वहीं बेचने वाले से काट देते हैं, मोहर लगा देते हैं, जिन्होंने खरीदा उनके पासबुक में चढ़ा देते हैं, मोहर लगा देते हैं, पट्टा करके भेज देते हैं, कोई घूमना फिरना कुछ नहीं है। एक तलाटी व्यवस्था बर्खास्त करके सारे भूमि के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने से इतना फायदा हुआ, किसान अब जाते नहीं तहसील में। दूसरा क्या किया, इनसे क्या हुआ, इससे फायदा इतने मिले ये करने से, आज हम फसल को एक बार 5-5 हजार के हिसाब से एक एकड़ को 10,000 रुपये निवेश के लिए देते हैं टाइम सीजन पे, ताकि वो बीज खाद जो भी उनको चाहिए वो खरीद लेते हैं, सही टाइम पे पहुंचा देते हैं। किस प्रकार से, उनको कोई दफ्तर नहीं जाना पड़ता, कोई दरखास्त देना नहीं पड़ता, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी यहां हैदराबाद में डाल देता है बैंक में, तो सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है और उनका सेल फोन बजने लगता है, ये बड़ा अजीब चीज हो रहा है वहां पे। किसानों का एक साथ जो कि एक दिन लाखों लोगों को जाता है, हर किसी का सेल फोन बजने लगता है, बोलते वो लोग के आ गया रही तो बंधु, आ गया रही तो बंधु, ऐसा बोलते। उनका लिए हमने बीमा कर दिया, जो चरण वांगमारे जी कह रहे थे पूरा, भाई हम समझ गए चरण वांगमारे का हवा बहुत है, बार बार तो वहां होता यह है किसानों का किसी भी तरह से मृत्यु हो, सिर्फ एक्सीडेंट से नहीं, किसी भी तरह का मृत्यु हो, नेचुरल डेथ भी हो, ठीक है, इसीलिए मैं बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर किसान को पूछते हैं भाई आपके अगर कुछ मृत्यु होने में किसको भेजना चाहिए पैसे, नॉमिनेट हो जाता है, किसान का मृत्यु हो जाता है तो इमीडिएटली 8 दिन के अंदर ही उनके घर 5 लाख का चेक पहुंच जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना किसी दफ्तर जाओ ना कोई दरखास्त दो, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक आता है। ये इसलिए संभव हुआ कि पूरे राज्य को हमने हर 5,000 एकड़ को एक क्लस्टर में ला दिया और वहां एक अधिकारी का नियुक्ति किया,
उन 5000 एकड़ में जितने भी किसान हैं वो क्लब बन गया। उसमें से कृषि का मृत्यु होता है, इमीडिएट रिपोर्ट आता है, उसके हिसाब से चेक चला जाता है। और किसान के पूरा उगाई हुई पूरी क्रॉप हम लोग खरीदते हैं, सरकारी खरीदता है, ये कहीं भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, वो किस भी प्रकार का भी हो, मक्का हो, धान हो, जो भी हो, सरकार खरीदता है। 7000 के ऊपर खरीद केंद्र है, और पैसे के लिए फिरना नहीं पड़ता है कहीं सेठ के पास, साहूकार के पास, किसी के पास नहीं। कोई भी किसान अपने भेज दिया खरीद केंद्र में तो सीधे पैसे उनके बैंक में चले जाता है, किसी के पास देना नहीं पड़ता। ये चीज हो गया। प्रकल्प से जो पानी देते हैं, पानी पट्टी नहीं है वहां पे, कोई एक रुपया भी नहीं लेते, यानी कि बिजली भी फ्री में, पानी भी फ्री में, 24 घंटा बिजली है, जब चाहे मोटर लगाओ, रात में जाने की जरूरत नहीं। इन चीजों से आज हमारे किसान त्योहार मना रहे, जितने लोग पलायन थे पूरे के पूरे वापस आ गए। उल्टे में हुआ यह नतीजा इसका, पंजाब सबसे ज्यादा हरित क्रांति आया हुआ प्रदेश है देश में, सबसे पहले वहीं आई थी। आज धान उगाने में पंजाब को हमने पार कर दिया। अभी अभी जो कट गई है फसल, सेकंड क्रॉप जो कट गई है, उसमें पूरे भारत में धान का खेत उगाए थे वो 94 लाख एकड़ में, 94 लाख एकड़ में, जिसमें से 56 लाख एकड़ सिर्फ तेलंगाना में उगाया, आधे से भी ज्यादा। इस प्रकार की क्रांति वहां आ गई है, कुछ खुशहाली मिली है, पीने का पानी का भी हमने व्यवस्था किया है मिशन भगीरथा के नाम। हर घर में, एक भी घर नहीं छूटा, हर घर में नल के साथ पानी हर दिन आता है, शुद्ध पानी टेस्ट करके 15-16 बार टेस्ट करके छोड़ते हैं। कोई औरत घड़ा अपने कांधे पर रख के बाजार में देखने को नहीं मिलता आज कहीं भी, वो शहर हो या गांव हो, आदिवासियों का खेड़े हो, पर्वतों पर रहने वालों को वहां भी प्रबंध किया हमने, तो ये भी सुविधा हो गई है। इस प्रकार का छोटा सा तेलंगाना के करने में इतना सारा हुआ, इतनी सारी मतलब सुखद स्थिति आई। मैंने यही कहा नांदेड़ के सभा में, औरंगाबाद में यही कहा कि तेलंगाना जैसा छोटा राज कर सकता है तो महाराष्ट्र जैसा महान राज ये क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं संभव है? इट इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। कुछ लोग कह रहे हैं जो पंडित लोग हैं, बहुत बड़े पंडित है, भाई केसीआर जैसा किया वैसा करने लगे तो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकलेगा। ये सरासर गलत है। दिवाला जरूर निकलेगा उन नेताओं का, दिवाली होगा किसानों का। किसान दिवाली मनाएंगे और ये खाने वाले नेताओं का दिवाला जरूर निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं, ये बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से अच्छा अगर ढंग से काम किया जाता तो आज महाराष्ट्र का बजट जो करीब करीब 6 लाख करोड़ की है वो 10 लाख करोड़ के ऊपर होना चाहिए था। इतनी संपत्ति है महाराष्ट्र में। आप लोग बाद में बात करना, चर्चा करना बुद्धिजीवियों से, केसीआर ने ऐसे कहा भाई ये ठीक है कि झूठ है, बात कीजिए, जरूर चर्चा होना चाहिए इन बातों का। तो इसको लेके ये बीमारी, ये जो हो रहा है ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में ये बीमारी लगी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं नीति बनने हैं तो पार्लियामेंट से बनता है, असेंबली से बनता है। हाँ जरूर हमको चुनाव लड़ना है और जीतना है, हर लेवल का चुनाव भारत राष्ट्रपति लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। कुछ तो पंडित ऐसा कहते हैं आप आंदोलन करो हम पार्लियामेंट जाएंगे, हम यहां बाजार में बैठेंगे तुम पार्लियामेंट जाओगे, ये तो हो रहा है ना 50 साल से 60 साल से। अब नहीं जाएंगे, अब तक भेजे बहुत। मैं इसीलिए कहता हूं आमदार खासदार, अब किसानों को ही बनना है, किसान सरकार बनना है। इतना हल चला के, इतना दान उगा के देश को अन्न खिला सकते किसान, क्या पार्लियामेंट जाके कानून नीति नहीं बना सकता अपने मुताबिक? अपने दम पर पानी और बिजली अपने खेत में नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकता, अगर आप सब साथ चल के एकदम जनता को समझा के काम करो, कोई बात नहीं, परिवर्तन आ जाता है।
एक लाख किलोमीटर का लंबा सफर भी हो पहले कदम से ही शुरू होता है। महाराष्ट्र के सामने आज मौका है, मैं बार बार कहता हूं यह बात, मैं कहीं भी कहता हूं, महाराष्ट्र राज्य को, राज्य के जनता को मैं अभिनंदन करता हूं कि पूरा भारत परिवर्तन करने का मौका राष्ट्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र को मिल चुका है। महाराष्ट्र से विकास से बात महाराष्ट्र से शुरू हुआ है, हमारा कारवां महाराष्ट्र से निकल रहा है। अब मध्य प्रदेश वाले मुझ पर गड़बड़ कर रहे, तुम बार बार महाराष्ट्र में जा रहे हो यार, मराठवाड़े में जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ऑफिस पे ऑफिस खोल रहे हो, फिर हमारे तरफ। हमें बोला अरे थोड़ा टाइम दे दो, अभी जाएंगे, मुझे जाना है वहां पे। यहां के आपके वो उप मुख्यमंत्री जी है फडणवीस जी, वो मेरे अच्छे मित्र है। मैं जब नांदेड़ में आया था उन्होंने कहा केसीआर जी आपका यहां क्या काम है, अब अपना तेलंगाना संभालो। मैंने कहा भाई मैं भारत का नागरिक हूं, भारत देश में कहीं जा सकता हूं, इतना मैं प्रार्थना करूंगा, इतना ही कहा उनसे। तेलंगाना का जो किसान मॉडल है अब महाराष्ट्र में, उस समय सत्र चल रहा था असेंबली का, मैंने इतने कहा फडणवीस जी आप मेरे अच्छे मित्र है, ठीक है उम्र में आप मेरे से छोटे भी हो, लेकिन सुझाव देता हूं कि तेलंगाना मॉडल जो है किसानों के लिए वो पूरा लागू कर दो इसी बजट सत्र में। मैं जब मेरा काम यहां खत्म हो जाएगा मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा। ये बात सही है, यानी कि बात पक्की है कि जब तक तेलंगाना मॉडल का भरपूर अमल महाराष्ट्र में नहीं आएगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक करेंगे लेकिन लड़ेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं। हर गांव में हर गली में हम समझाएंगे। चरण वांगमेरे जी मराठी में बोल रहे थे, मैं बोल नहीं सकता लेकिन समझ रहा हूं आजकल, महाराष्ट्र में चलते चलते वो कह रहे थे कि भाई मुंबई में अनिल अंबानी है, फलाने सेठ है, वहां क्या कहोगे किसान का नारा, तो उनका थाली का खाना कौन भेज रहे, उनके तरकारी कौन भेज रहे। देश अगर हमारे साथ नहीं आएंगे बेटा तुम्हारा काम खाना बंद हो जाएगा, है ना। किसान के साथ देश को चलना ही पड़ेगा, अगर किसान समझे तो ऐसा मजबूर भी कर सकता है, लेकिन किसानों का मजबूरी को फायदा उठाते हुए उनको दलालों का शिकार करते हुए खराब करना किसी भी प्रकार से देश के लिए उचित नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। कल ही मेरे पास कर्नाटक के नए चुने गए मुख्यमंत्री जी का फोन आया था, चंद्रशेखर राव जी हमें एक 27 लाख टन की चावल की जरूरत है, आपके पास है तो रेट बता दो हम खरीद लेते, कल ही। यानी कि देश में, मैं एक और अच्छी बात आपको कहना चाहूंगा, कुछ पंडित कहते हैं भाई धान की पैदावार ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो रेट कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई। आज भी हमारे आदिवासी, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग और अपर कास्ट के भी जो गरीब लोग हैं सही न्यूट्रिशन खाना नहीं खा पा रहे, संतुलन वाला खाना उनको नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ये गलत बात है। चाइना के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में, कुछ अन्य देशों के मुकाबले देखे, हमारा खाना उतना संतुलित नहीं है जिस प्रकार का होना चाहिए। माल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देश में, पूरे लोगों को अगर अच्छा खिलाए तो हमारी पैदावार बिल्कुल बस हो जाएगा, कुछ देश है गरीब तो उनको दे देंगे, उनके पास बेच देंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण मैं बात आपको कहना चाहूंगा, पूरी भारत में 75 साल से, ये बड़े दुख से कहना पड़ता है, कम मात्रा में हमारी बाहर जाता है, बहुत कम मात्रा में। पानी है, 41 करोड़ एकड़ का भूमि है, 140 जनता है मेहनत करने वाले, सब कुछ है, भारत में सूरज अच्छा खिलता है जो फसल उगाने के लिए चाहिए। आज हम बेशर्मी से मैकडोनाल्ड का पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, अब सोचिए क्या हालत है, जबकि उल्टा होना चाहिए। इतना भूमि, इतना पानी, इतने किसान, इतने लोग रखते हुए हर तहसील में कम से कम 2-4 इंडस्ट्री लगना चाहिए फूड प्रोसेसिंग के। हमारा खाना पूरा दुनिया खाना चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए। इसके लिए भी स्टोरियां सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, बना लीजिए बिहार सरकार, मैं करके बताता हूं कैसा नहीं जाता है, कौन रोकता है, किसका मजाल है। हमारा खाना पूरा देश में, पूरा दुनिया में जाना चाहिए, किसानों को अच्छे दाम मिलना चाहिए, हर तहसील में 2-3-4 इंडस्ट्री लगना चाहिए,
जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, पूरे युवाओं को उसमें नौकरी मिलना चाहिए, करोड़ों लोगों को। ये नहीं करते हुए ज्यादा मत उगाओ, ये करो वो करो। सबसे दुख वाली बात यह है, एनसीआरबी जो सरकार, केंद्र सरकार की संस्था है, वो खुद बता रहे हैं कि देश में लाखों किसान का ऑलरेडी आत्महत्या हो चुका है। एक दो नहीं, 3 लाख के ऊपर किसान देश में आत्महत्या कर चुके हैं। फिर कोई बात नहीं, कोई एहसास ही नहीं, ना केंद्र सरकार को है, ना राज्यों की सरकार को है, ना इनको देश से मतलब है, ना प्रदेश से। हो क्या रहा है? फिर इनको कौन जगाएगा, कौन समझाएगा? वो तो बस लगे हुए हैं चुनाव जीतने, धर्म का नाम बोलो, इसका नाम बोलो, जातिवाद पैदा करो, लोगों में फूट डालो, बस चुनाव जीतो। अगर जीत किसके लिए? जनता के लिए, देश के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए, सिर्फ जीतने के लिए? इसके बारे में बहुत अच्छा चर्चा होनी चाहिए। मैं आप सभी लोगों को निवेदन करूंगा, मैं जो भी कह रहा हूं, आपके गांव में जाके जरूर चर्चा करें, आपके दोस्तों में, आपके परिजनों में, आपके गांव के बड़े लोगों में, भाई केसीआर ने ऐसे कहा, ये सच है क्या है, इसमें हमको क्या करना है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में बहुत जोरों का चल रहा है बीआरएस का काम, मैं बहुत संतुष्ट हूं। संभावित रूप से आज एक तूफान के जैसा जा रहा है, 4 लाख अब तक हमारे कमिटियों में लोग आ चुके हैं, 4 लाख के ऊपर। अभी ये 30 दिन का जो काम खत्म हो जाएगा, तो कम से कम मेरे ख्याल से 25-30 लाख की हमारी सेना बनाएंगे पूरे महाराष्ट्र राज्य में। अब बहुत बड़े बड़े नेता भी हमारे तरफ देखने लगे हैं, शंकरन अभी बता रहे। मैंने कहा भाई पूरा पुराने नेताओं से मत भरो, कुछ युवा के लिए रखो, किसानों के लिए रखो, फिर पूरे वन भाई बन गए तो पुराने दुकान खुल जाएगा, फिर हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। ले कुछ कुछ तो रखो, सही बात है ना? तो लिहाजा मैं कहता हूं, नेतृत्व करने वाले कर रहे हैं, 75 साल हो गए, एक बार हम भी ले लेते हैं नेतृत्व। हमारे किसान, हमारे युवा, पढ़े लिखे लोग कहीं हैं, हमारे युवा लोग हमारे किसानों के घर में ही है, उन जवान लोगों को जिता लेते हैं, फिर फर्स्ट क्लास कानून कायदा जो बनना बनेगा, और किसानों का जरूर खुशहाली होगी। हम किसी को आलोचना नहीं कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा काम से मतलब है, काम निकालने से मतलब है, जनता को समझाने से मतलब है। किसी को आप महाराष्ट्र में, कुछ तो दोस्त बता रहे थे, टीवी खोले तो चर्चा ऐसा हो रहा है, तू कुत्ता है, तू बिल्ली है, एक को दूसरे गाली देना, बस इसके सिवाय कोई बात नहीं। हम वो नहीं करना चाहते, हम उसमें उस लफड़े में जाना ही नहीं चाहते। सिर्फ लोगों को समझाने में, लोगों को पूरी बात बताने में जितनी प्रयास हमको करना चाहिए उतना जरूर करेंगे। मेरे पूरा विश्वास है, भारत बदलने के लिए जो कदम महाराष्ट्र से पड़ रहे हैं, ये मजबूत कदम होंगे और पूरा भारत परिवर्तित होकर रहेगा। मुझे विश्वास है, इसलिए है कि भारत एक ऐसी देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है, भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धिमानों का देश है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इंडिया रिएक्ट्स। ढंग से अगर कहा जाए, ढंग से अगर समझाया जाए, हमारे कॉमन मैन के पास बहुत बड़ा कॉमन सेंस की भंडार है, वो सबसे ज्यादा समझता है। इमरजेंसी के बाद हमने देखा था अपने आंखों से, उस समय के महान नेता इंदिरा गांधी को यूं ही टुकड़ा दिए थे लोग, उनको टुकराने के बाद जो सरकार आई थी, फिर उनको ज्यादा सताने लगे, फिर इनको ठोकर मार के फिर इंदिरा जी को लाके फिर बिठा दिया। यानी कि भारत परिवर्तन चाहता है, समझाने पर, बात उन तक पहुंचाने पर, ढंग से चलने पर बिल्कुल ही भारत बदलने की तरफ जाता है। अभी भारत बहुत बेजार है, ये आजकल जो हो रहे हैं देश में, इससे काफी बेजार हो चुके हैं, इंतजार में है परिवर्तन के घड़ी के लिए, देख रहे हम एक नए उमंग से, नए परिवर्तन के दिशा में, एक नई आशा से हम कदम आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विजय हमको प्राप्त होगा, 100%। आज नागपुर में हमारे ऑफिस का उद्घाटन हुआ बीआरएस का, औरंगाबाद में एक बिल्डिंग खरीद लिए हैं, वहां भी खुल रहा है, और पुणे में, मुंबई भी अपने खुद के ऑफिस होंगे, वहां लंगर भी खोलेंगे, जो भी आएगा वहां खाना खाएगा आराम से। तो इस प्रकार का पूर्ण रूप से हम पूरे राज्य में फैल जाएंगे, हमको जरूर विजय प्राप्त होगा, मुझे ये पूरा आशा है। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐतिहासिक जगह है, शिवाजी महाराज का जगह है, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का जगह है, ये पुले सावित्री जी का जगह है, यहां कोई चीज की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन राजनीति में हम गुमराह हैं।
अभी हम एकत्रित हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। मुझे पूर्ण आशा है, विश्वास है, हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे। इस भारत परिवर्तन के लिए जो हम लोग चल रहे हैं, मैं कुछ बातें यहां से जाके फिर प्रेस में भी कहूंगा, कल अखबार भी पढ़िए, पूरी बात डिटेल वहां आ जाएंगी। मैं पूर्ण विश्वास, आप सब लोगों को देखने के बाद मुझे बहुत खुश हुआ, मैं बहुत संतुष्ट हूं, आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं और आगे बढ़ के हम विजय प्राप्त करेंगे सर्व कल्याण के लिए, उसमें खास किसानों के कल्याण के लिए। अब की बार ये नारा नहीं निर्धार है, ये नारा नहीं अब की बार। धन्यवाद धन्यवाद भाई केसीआर सर का विदर्भ की तरफ से।